हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो देख रहे हैं वो है कड़वा सच सुने कवि शैलेश की जुबानी। तो कड़वा सच सुनना पड़ेगा, मीठा झूठ नहीं कड़वा सच। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो। पर उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो फ्रेंड्स, चलो शुरू करते हैं ये कड़वा सच। कमाल का देश है सर, पिज्जा इस देश में 30 मिनट में घर पे आता है, 30 मिनट में नहीं आया तो पैसे वापस कर देते हैं। आप पुलिस वालों को बुला के देखिए। ये वो देश है जहां पे 8% में आपको कार का लोन मिलता है और 12% एजुकेशन लोन के देने पड़ते हैं। वाह 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 वाह। कभी सलमान के बालों तो कभी कैटरीना के गालों पे मर गए। आज इस अवसर पे इससे बढ़िया पंक्तियां मुझे याद नहीं आती। क्या बढ़िया बात कहते हैं वो कवि, कि कभी सलमान के बालों कभी कैटरीना के गालों पे मर गए, कभी चुंबन कभी चेहरे कभी चालों पे मर गए। ऊपर बैठ के भगत सिंह भी कहते होंगे, यार सुखदेव राजगुरु हम भी किन सालों के लिए मर गए। वाह 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 वाह। अमेरिका में एक प्रांत है टेक्सस, और वहां एक शहर है ह्यूस्टन। कुछ लोग हां भर रहे हैं। इससे ये जाहिर नहीं हो जाता कि उन्होंने देखा है, और इससे ये भी जाहिर नहीं हो जाता कि उन्हें पता है। इससे यह जाहिर होता है कि आदमी समझदार है और सामने वाले को यह जताना जानता है कि मैं जानता हूं। तो टेक्सस में ह्यूस्टन शहर में जब मैं काव्य पाठ कर रहा था, और काव्य पाठ करने के बाद जब मैं बैठा, तो बैरागीदा जैसे लोग मिलते हैं, आके मिले और कहने लगे, माइक पे खड़े होकर बहुत चिल्लाते हो कि हमारा हिंदुस्तान ऐसा है, हमारा मुल्क ऐसा है, हमारा देश ऐसा है, हमारा देश वैसा है, आखिर तुम्हारे देश में रखा क्या है। यकीन मानिए, मेरे मन को बहुत चोट पहुंची, बहुत पीड़ा हुई। मेरी जगह आप होते तो आपको भी चोट पहुंचती, बहुत पीड़ा होती। लेकिन मेरा दर्द सुनना साहब, मुझे चोट इसलिए नहीं पहुंची कि उसने मुझे ये कहा कि तुम्हारे मुल्क में क्या रखा है। मुझे पीड़ा इसलिए हुई कि कहने वाला लड़का खुद एक हिंदुस्तानी था, जो सारी उम्र यहां पला, यहां बड़ा, इसकी माटी में राज, इसकी शिराओं में हिंदुस्तानी पिता का रक्त, और जिसकी धमनियों में हिंदुस्तानी मां का दूध बहता हो, वो किसी दूसरे मुल्क में जाके अपने ही मुल्क वाले से ये कहे, एक हिंदुस्तानी जब दूसरे हिंदुस्तानी से ये कहे कि तेरे हिंदुस्तान में क्या रखा है, तो चोट पहुंचना स्वाभाविक था। तब मुझे महाकवि कन्हैयालाल सेठिया जी की एक कहानी याद आई, और उस कहानी को मैंने कविता की आत्मा बनाया। क्यों मुझे पीड़ा पहुंची, क्यों मुझे कविता लिखनी पड़ी? कन्हैयालाल जी लिखते हैं कि लोहा और सोना आपस में बात कर रहे थे, तो लोहे ने सोने से सवाल किया कि यार तू सोना है, मैं लोहा हूं। आपस में बातचीत शुरू हो गई, तो सोना लोहे को कहने लगा कि यार लोहार तुझे बनाने के पहले ठोकता पीटता है, सुनार मुझे बनाने के पहले ठोकता, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आग में तपा के ठोका जाता है, लेकिन जब तुझे लोहार ठोकता पीटता तो तू बहुत आवाज करता है, मैं तो चुप रहता हूं, ऐसा क्यों? लोहे ने जो जवाब दिया वो मेरी कविता की जमीन है। लोहे ने कहा तो ठीक कहता है सोने, सुनार पीटता है तुझे लोहे की हथौड़ी से, जो तेरी कुछ नहीं लगती, मैं लोहा हूं, मुझे जिससे पीटा जाता है वो लोहा है, और जब अपना अपने को पीटता है तो चीख तो निकलती ही है। वाह 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 वाह। मेरी कविता अपने ने अपने को पीटी गई चीख की कविता है, जब एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी को यह कहे कि तेरे मुल्क में रखा क्या। अरे उन्हें मालूम क्या है कि मेरे मुल्क में है क्या? हमारे मुल्क में मधु कोहड़ा है। वाह वाह। है एक भी लीडर ऐसा? सूर्यवंशी 38 वर्ष की उम्र में 4000 करोड़। आप यकीन मानिए, कभी जिंदगी में 4000 करोड़ रुपए मिल जाएं तो यकीन मानिए इस जन्म में मुझे गिन के दिखा देना, आप गिन नहीं सकते। ये हिंदुस्तान, ये हमारा देश है, हमारे यहां कमाल की चीज है। हमारे मुल्क में क्या रखा है? बहुत जबरदस्त, जैसे आपका इंदौर का ट्रैफिक। मैं अभी एयरपोर्ट से आ रहा, राजवाड़ा के आगे मेरी कार के आगे आदमी हाथ साइकिल पे यूं किया, फिर यूं कर दिया। मैंने कहा इसका क्या मतलब? बोले पहले मुड़ना था फिर कैंसिल कर दिया। अब कर लो आप, क्या कर लो, ये अपने इंडिया में ही हो सकता है। कार में आगे एक औरत हाथ निकाले भी, मैंने कहा इसको मुड़ना होगा, आधे घंटे तक मुड़ी नहीं। मैंने कहा बहन जी क्या? अरे नहीं, बोले मैं तो नेल पॉलिश सुखा रही थी। ये अपने मुल्क में ही हो सकता है। तब मैं बताता हूं मेरे मुल्क में है क्या। दो दृश्य करता हूं पैदा,
अमेरिका में एक लड़का मुझसे कहता है तेरे देश में रखा क्या। तब सुनिए कि अमेरिकन परिवार में एक लड़का घर में आया, बहुत समय बाद सुना था तो हो सकता है मैं कहीं इधर उधर हो जाऊं, लेकिन याद करने की कोशिश कर। तो अमेरिकन परिवार में एक लड़का घर में आया और अपने पिता से कहने लगा, कम ऑन डैड व्हाट अ बैड डे, कम ऑन डैड। अमेरिकन परिवार में एक लड़का घर में आया और अपने पिता से कहने लगा, कम ऑन डैड व्हाट अ बैड डे, आई जस्ट वांट टू चेंज माय गर्लफ्रेंड। ये बेटा बाप से बात कर रहा है, कम ऑन डैड व्हाट अ बैड डे, आई जस्ट वांट टू चेंज माय गर्लफ्रेंड। अब मैंने तुरंत ये शब्द सुना और मेरे कान खड़े हुए, मैंने कहा सुनो काम की बात चल रही है, मैं रेगिस्तान का निवासी वैसे ही सूखा ग्रस्त इलाका, तो ऐसे शब्द सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। Come on, Dad, what a bad day. I just want to change my girlfriend. पिता बोले, okay, okay, don't get tense. Just think she was a nonsense and change it. और अब मैंने कहा गजब का बाप है, कितना सपोर्टिव फादर, अपने बेटे को खुद कह रहा है कि सारी चिंताएं हटा और दूसरी लड़की। मैं आपके जनरल नॉलेज को प्रणाम करना चाहता हूं और जिस भाषा की अशोक भाई साहब बात कर रहे थे, हिंदी साहित्य आपका बरसों तक ऋणी रहेगा। आपने जो शब्द सौंपा है, समवेत स्वर में सैकड़ों लोगों ने जो एक साथ कहा है पटा, मैं किसी और शब्द का भी प्रयोग कर लेता लेकिन जब आपने कह दिया तो मैं इसे, वैसे अच्छा एक बात है, इस शब्द का कोई तोड़ भी नहीं है, हो ही नहीं सकता। जो परिश्रम, जो मेहनत, जो पसीना पटाने में है वो किसी और शब्द में आए, आप पटाने में मतलब आप प्रक्रिया नहीं समझे, मैं शब्द की बात कर रहा हूं, वो किसी और शब्द में आ ही नहीं सकती। मैंने अंग्रेजों को कहा तुम हमारा क्या खा के मुकाबला करोगे बताओ, तुमने हमारी जोड़ के शब्द ले आओ बस। बोले क्यों, मैंने कहा तुम चेहरे को अंग्रेजी में क्या कहते हो, बोले फेस, मैंने कहा थोबड़े को बताओ, बोले पत्नी को अंग्रेजी में क्या कहते, बोले वाइफ, मैंने कहा लुगाई। मैंने कहा तुम मुकाबला कर ले बस, हमारा कहीं से मुकाबला करके बता दे कि तू क्या करता है। मैंने कहा तुम्हारा किसी से मतलब तुम्हारा किसी से मोहब्बत हो जाए तो क्या बोलते, बोले अफेयर, मैंने कहा लफड़ा बोल। मैंने कहा तुम अगर कुछ पियोगे तो क्या बोलोगे, बोले आई विल ड्रिंक लस्सी, मैंने कहा जा इंदौर में, बोले एक गिलास लस्सी हेर ले। तेरा बाप नहीं ला सकता है शब्द, हमारा मुकाबला कर सकता है क्या, कर ही नहीं सकता। फिर मैंने कहा हमारी पत्नी रोज उठ के हमसे एक वाक्य बोलती है तो उसका अंग्रेजी में अनुवाद करते मैं गुलाम हो जाऊंगा तेरा। बोले क्या बोलती है, मैंने कहा बोलती है तुमसे शादी करके तो मैंने कर्म ठोक लिए हैं। मैंने कहा ला कर्म और ठोक, तेरा बाप अंग्रेजी में नहीं ला सकता कर्म और ठोक। मैं चाहता हूं हमारी हिंदी भाषा के सम्मान में एक बार, जो अद्भुत भाषा है हमारी। वाह 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 वाह, स्वागत है स्वागत है स्वागत। कर ले कोई मुकाबला, हमारा क्या करेगा। बोले पत्नियां ऐसे बोलती है, मैंने कहा इससे ज्यादा बोलती है। मैं अपनी पत्नी को गोवा घुमाने के लिए ले गया तो कहीं था नहीं, चर्च में ले गए, उसने श्रद्धा के मारे ईसा मसीह के पांव छू लिए। मैंने कहा तू मेरे तो नहीं छूती, बोले तू भी लटक जा। मैंने कहा तू तो अनुवाद करके बता दे इसका, हमारी ट्रकों के पीछे लिखा रहता है ट्रक नहीं है मेरे जिगर का फूल है, और माल उतना ही भरूंगा जितना गवर्नमेंट का रूल है। मैंने कहा कर जिगर के फूल का ट्रांसलेशन, क्या लिखेगा, फ्लावर ऑफ लिवर। और मैंने कहा तुम्हारी भाषा का जो हम इस्तेमाल करते हैं वो तो किसी का बाप नहीं कर सकता। मैंने कहा इंदौर, मैं इंदौर इतना आता हूं कि मैं तो लगभग, इंदौर मेरा बहुत प्रिय शहर है और मैं बता दूं मुझे इतना मजा आता है, यहां की भाषा कमाल की है सर। मेरा एक मित्र अपने ही मित्र के घर गया तो उधर से निकला वापस, मतलब किधर गया, बोले यार मैं इधर से निकल रहा था, मैंने सोचा तुम तो कहीं बाहर गए हो तो सोचा भाभी जी को टच करता चलूं। ये हम कर सकते, ये हमारी भाषा का, सारी दुनिया के भाषाओं को जो हमने हाथ फैला के बुलाया है और जो उसे सौहार्दपूर्ण स्वीकार करके जो मोहब्बत दी है वो कोई दे सकता है, तो ये तो कमाल है। तुम्हें कह रहा कमाल का बाप है, खुद ही कह रहा है सारी चिंता हटा। मैंने कहा खुदा मुझको भी ये अमेरिका भेज देता तो तेरा क्या जाता, खुले हम चिंताएं हटाते मजे से लड़कियां घुमाते, वरना हिंदुस्तान में हमारे पिताजी वो सुबह दोपहर शाम तीन बार तो इसीलिए कूटते हैं कि बताना होता है मैं तेरा बाप हूं। ये इंडियन बाप इस मामले में बहुत जालिम होता है, उसे सिर्फ कूटने का बहाना चाहिए। घर में निकर पहन के क्यों बैठा है, कूट दिया, पैंट पहन के बैठा है फिर ठोक दिया, नई पैंट, कुछ नहीं पहना तो फूट ठोकना ही था फिर तो। तब हमारे
मुझे सुरेन जी याद आते हैं, वो एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं। सुरेन जी कहते हैं कि जितने NRI मतलब अमेरिका में आपको मालूम है बच्चों को अगर आप पीट दो तो 911 पे कॉल करके तुरंत पुलिस, आप बच्चों को पीट नहीं सकते, पीटते ही बाप गिरफ्तार। एक हिंदुस्तानी बाप ने ठोक दिया, छोरे ने 911 पे फोन किया, बुला ली पुलिस, गिरफ्तार हुआ। जैसे ही जेल से छूटा बाप, तीसरे ही दिन इंडिया की टिकट कराई बेटे के साथ और दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरते ही नहीं, इससे ये जाहिर नहीं होता क्या, इससे ये जाहिर होता है कि NRI हर साल इंडिया आते क्यों। वाह वाह वाह। तो मैंने कहा यार खुदा मुझको भी अमेरिका भेज देता तो तेरा क्या जाता। ये देखिए अलग किस्म की देशभक्ति है जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं आया था जब अशोक जी एक बहुत बढ़िया बात कर रहे थे कि वीरदास के कवियों ने एक इंच जमीन में नहीं छोड़ी जहां झंडा नहीं गाड़ा, उनकी देशभक्ति थोड़े अलग किस्म की होती है। अच्छा वो झंडा गड़ता पाकिस्तान पे ही है, चाहे वो रावलपिंडी हो, चाहे लाहौर हो, चाहे कराची हो। मैंने कहा आजकल चाइना बहुत बदमाशी कर रहा है, उधर क्यों नहीं गाड़ते। तो यार उधर के बोले शहरों के नाम ही याद नहीं है, गाड़े तो गाड़े का। बढ़िया है, बढ़िया है। वाह वाह वाह। अच्छा एक आध शहर का नाम याद हो गया तो उसमें तालियां नहीं बजती, बोले अब के तिरंगा फहराएंगे हम गोंगजाऊ पर। तो गोंगजाऊ वो मजा नहीं देता ना जो लाहौर देता है। तो ये अलग किस्म की देशभक्ति। तो मैंने कहा खुदा मुझको भी अमेरिका भेज देता तो तेरा क्या जाता, खुलेआम मजे से लड़कियां घुमाते, मजे से इधर उधर घुमाते। वरना हिंदुस्तान में हमारे पिताजी, उन्हें तो भगवान बचाए साहब, मुझे भी अमेरिका भेज देता तो मजे से जिंदगी की रंगीनी उठा। अच्छा दूसरे अमेरिकन परिवार का और तो और भी दमदार, एक लड़की आई और अपने माँ से कहने लगी कम ऑन मॉम आई जस्ट वांट टू लिव विद दैट गाय हूम आई लिविंग विद फॉर 2 years। मैंने तुरंत अनुवाद किया, मैंने कहा ये कह रही है कि उस लड़के के साथ नहीं रहूंगी जिसके साथ 2 साल से रह रही थी अकेली, वो भी बिना शादी के, 6 फुट का छोरा नहीं कोई सहेली। अपने यहां तो पिक्चर में ऐसे डायलॉग आ जाए तो लाइट चली जाती है। और ये देश कितना एडवांस है, हम इनसे कितना पीछे है, कितना नीचे। मुझे भी अमेरिका आ जाना चाहिए और जिंदगी के मजे उठाना चाहिए। अब यहां से वो बात शुरू करता हूं जिसके लिए कविता लिखी, मुझे भी अमेरिका आ जाना चाहिए और जिंदगी के मजे उठाना चाहिए। ये बात मैंने वहां रहने वाले बुजुर्ग जोड़े को बताई तो उन्होंने बहुत धीरे से मेरा कंधा थपथपाया। ये बात कि मुझे भी अमेरिका आ जाना चाहिए और जिंदगी के मजे उठाना चाहिए, ये बात मैंने वहां एक रहने वाले बुजुर्ग जोड़े को सुनाया तो उन्होंने बहुत धीरे से मेरा कंधा थपथपाया और कहने लगे बेटा ये बातें, ये रोशनी, ये चमक, ये दमक लगती बहुत सच्ची है और लगती भी खूब अच्छी है। अरे तुम्हें क्या मालूम ऊपर से हंसते हम भीतर कितना पिसते हैं, इन आंखों से आंसू रिसते हैं। अरे तुम्हारे मुल्क में और कुछ नहीं होगा पर वहां सच्चे रिश्ते हैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तुम्हारे मुल्क में वहां कुछ नहीं होगा पर ये रिश्ते हमारे मुल्क में ही हो सकते हैं मित्रों, ये रिश्ते हमारे मुल्क में ही हो सकते हैं। ये जो सम्मान की परंपरा बची है वो इसी देश में बाकी रह गई है। तब कहता हूं कि तुम्हारे मुल्क में और कुछ नहीं होगा पर वहां सच्चे रिश्ते हैं। अरे वहां बेटा शाम तक घर नहीं लौटे तो पिता को खाना नहीं भाता। और अगली पंक्ति में बात कितनी छोटी लेकिन तर्क कितना बड़ा कि वहां बेटा शाम तक घर नहीं लौटे तो पिता को खाना नहीं भाता। और इतनी तमीज तो है कि छोटा छिप जाएगा लेकिन बड़े के सामने सिगरेट नहीं पी पाता। इतनी तमीज तो है कि छोटा छिप जाएगा लेकिन बड़े के सामने सिगरेट नहीं पी पाता। और बहन बहन जब विदा होती है ना तो आंखों में आंसू सच्चे होते हैं और घर घर में पांव छूने वाले छोटे बच्चे होते हैं। मित्रों यकीन मानिए एक बात इन कवियों की उपस्थिति में कहना चाहता हूं, जो चीज हमारे पास है शायद उसके होने का एहसास हमारे पास नहीं है। मैं एहसास कराने के लिए आया हूं कि हमारे पास क्या है जो दुनिया के पास हो नहीं सकता। पूरी दुनिया के ग्लोब पे छोटे बड़े मिला के लगभग 183 देश है, छोटे बड़े कर लेंगे जो UNO का सदस्य नहीं है तो 203 देश है। बैरागीदा अशोक जी जिनकी कविताएं सारी दुनिया में गूंजी है, एक कवि होने के नाते, एक अभिनेता होने के नाते सारी दुनिया में जाता हूं और सारी दुनिया के देखने के बाद इनकी उपस्थिति में एक बात दावे से कहता हूं, पूरी दुनिया के ग्लोब पे होंगे 203 देश साहब लेकिन सिर्फ एक देश ऐसा है जहां बच्चे माँ बाप के पांव, जहां बच्चे माँ बाप के पांव छूते हैं वो देश हिंदुस्तान है, दूसरा कोई देश नहीं है। तब कहना चाहता हूं ये इसी मुल्क में बचा है। तब कहना चाहता हूं विदा होती है ना तो आंखों में आंसू सच्चे होते हैं और घर घर में पांव छूने वाले छोटे बच्चे होते हैं। ये बात सुन के मैं सोचने लगा कि बात में दोस्त दम है, हम तो सिर्फ हम हैं। अरे क्या नहीं है मेरे मुल्क में, भले आंखों में धुआं और चेहरों पे गुबार है, दिल्ली में एक लूली लंगड़ी सरकार है, जेब में कुछ पैसा उधार है, न चमक है न दमक है न रोशनी है न बिल्डिंग है न कार है। मैं सारी चीजें स्वीकार करता हूं कि मेरे देश के पास नहीं है लेकिन यकीन मानिए अगली पंक्ति में मैंने कविता नहीं लिखी, मैंने 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिलों में बसने वाले एक शब्द को उठाया, उसे कलम की नोक पर रखा और पिरोता हूं आपके सामने और दावा करता हूं कि दुनिया भर के दौलत, दुनिया भर का वैभव तराजू के 2 पल्ले लीजिए और दुनिया भर का वैभव, दुनिया भर का यश, दुनिया भर की कीर्ति, दुनिया भर की समृद्धि तराजू के 1 पल्ले में रख दीजिए और तराजू के 2 पल्ले में मेरे देश का सिर्फ एक शब्द जो आपके घर आंगन में,
और आपके दिलों में ये शब्द सुन के अगर आपकी शिराओं में कहीं हिंदुस्तान बहता हो तो यहां से लेके वहां तक मुझे बता देना कि मेरे देश के प्यास क्या है जो पूरी दुनिया के पास हो नहीं सकता। मैंने ये नहीं लिखा कि यहां सूरज सबसे पहले उगता है, मैंने ये भी नहीं लिखा कि यहां घास की रोटी खाने वाले महाराणा प्रताप हुए, मैंने ये भी नहीं लिखा कि सिकंदर के सेनापति अपनी बेटी की डोली यहां दे जाते हैं, मैंने ये भी नहीं लिखा कि यहां पन्नाधाय स्वामी भक्ति में बेटा कटवा देती है, मैंने ये नहीं लिखा कि हाड़ी रानी शीश काट के थाली में रख देती है, मैंने ये कुछ नहीं लिखा क्योंकि ये सच हम जानते हैं। मैं तो सिर्फ एक पंक्ति कहता हूं, एक शब्द मात्र कहता हूं कि वो जो हमारे देश में बसता है दुनिया भर में हो नहीं सकता, और रख दीजिए दुनिया भर का वैभव इस शब्द के सामने और फिर बताइए कि मेरे मुल्क के पास क्या है कि बात में दोष दम है। हम तो सिर्फ हम हैं। अरे क्या नहीं है मेरे मुल्क में, भले आंखों में धुआं और चेहरों पे गुबार है, दिल्ली में एक लूली लंगड़ी सरकार है, जेब में कुछ पैसा उधार है, न चमक है न दमक है न रोशनी है न बिल्डिंग है न कार है, पर मेरे देश में संस्कार है। वाह 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 वाह। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा बोला, लास्ट में संस्कार है, बहुत ट्रू है। ये है कि यहां पर पहले जैसे वो सिचुएशन ही जो हमें सुनने को आती थी जब हम यूएसए नहीं थे कि वहां पे तो बच्चे जो हैं वो ये होते हैं वो होते हैं, बेकार से कुछ ऐसी फैमिलीज होती हैं जहां होते हैं, पर पढ़ी लिखी फैमिलीज में इतना नहीं है जितना सुना था। पर डेफिनेटली जैसे इंडिया में संस्कार हैं वो यहाँ पे नहीं है, पर मुझे बस इसी बात का डर है कहीं वो संस्कार धीरे धीरे वेस्टर्नाइजेशन की वजह से खत्म ना हो जाए जैसे हमारे आजकल के बच्चे हो रहे हैं। हम इतनी कोशिश करते हैं ऋषि को वो संस्कार देने की, पर मुश्किल बहुत है, बता रही हूँ यहाँ पे वो सब देना, क्योंकि वहाँ यहाँ पे आसपास वो दिखता नहीं, तो यहाँ के जो दिख रहा है वो बच्चे सीखते हैं। पर इंडिया में जब आप एक दूसरे को देखते हो संस्कार जो हैं तो आप भी वो फॉलो करते हो। अब बड़ों को आपने देखा अपने पेरेंट्स को अपने बड़ों के पैर छूते हुए, तो आप भी छूते हो, पर यहाँ पे इन बच्चों को ऑकवर्ड फील होता है कि भाई ये क्या चीज है। तो ऐसी छोटी मोटी चीजें होती हैं तब फील होता है कि भाई ये इतने अच्छे अच्छे संस्कार आपको जो है वो कहीं और नहीं मिलेंगे, इंडिया में ही मिलेंगे। बात भी सच है, बेटा कभी अपने फादर के सामने सिगरेट नहीं पिएगा, अगर पीनी हुई तो कहीं धूप बाहर जाके छुप के पिएगा, ड्रिंक कभी नहीं करेगा अपने पेरेंट के सामने अनलेस एंड अंटिल वो पेरेंट ड्रिंक करते हैं। अगर आपके पेरेंट नहीं ड्रिंक करते या स्मोक करते तो कभी भी वो बच्चा आपका सामने नहीं करेगा। तो ये तो आपको सिर्फ वहां यहाँ पे यूएसए में तो नहीं मिलेगा, सिर्फ इंडिया में ही मिलेगा। तो बहुत सुंदर बोला उन्होंने और इतना मतलब मजेदार था, हंसाया भी, दिल को छुआया, छू भी लिया और इमोशनल भी किया और बहुत प्राउड फील करवाया कि इंडिया जैसी कंट्री जो है कहीं नहीं है। राइट उनका काफी अच्छा था, इन्होंने काफी इमोशनल किया है। पर नॉर्मली क्या होता है जैसे आप वेस्टर्न मूवीज देखते हैं वैसा यूएसए नहीं है, तो कई बार होता है जैसे आप बहुत सारी मूवीज देखते हैं, मूवीज में जैसे दिखाते हैं लोग ऐश कर रहे हैं, तो आपको अगर आप हॉलीवुड की मूवीज देख के आपको लगे यूएसए ऐसा है तो वैसा नहीं है। जैसे भारत में बॉलीवुड की मूवीज बनती हैं वैसा भारत एग्जैक्टली नहीं है, तो उसी तरीके से। और नॉर्मली ये बहुत रेयर इवेंट है कि अगर कोई बाहर से कोई गेस्ट यूएसए में आता है और कोई बोलता है कि तुम्हारी कंट्री में क्या है, मेरे ख्याल से तो ऐसा कोई नहीं बोलेगा। 25 साल से रह रहे हैं, हमने कोई ऐसा इंडियन देखा नहीं जो इस तरीके से वार्तालाप करे या किसी से कहे। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, वो डिपेंड करता है आपका क्या माहौल था, बट जिस माहौल में हम लोग रहे वेरी डिसेंट पीपल ओवर हियर, बहुत ही हमारे तो सभी इंडिया को मिस करते हैं, सभी इंडिया को मिस करते हैं, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, इनफैक्ट वो बहुत खुश होंगे पता करके कि अगर आप इंडिया से आए हैं। इनफैक्ट आपको बाहर दिखाने लेके जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट जगह की, आपको इंट्रोड्यूस करेंगे जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए, तो वो ऑपोजिट हमने देखा है। जहां तक गर्लफ्रेंड्स की बात है, नॉर्मल ऐसा नहीं है, मैं भी ये कहूंगा कि यहाँ पे आके मुझे भी जिस चीज का फर्क नजर आया था कि सारे ह्यूमन बीइंग्स एक जैसे होते हैं, सारे इंसान एक जैसे होते हैं, उनके अंदर की जो ड्रीम्स होती हैं विशेष होती हैं सब ह्यूमन बीइंग्स की सेम है। यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि यंगस्टर जो है अपने फादर के सामने स्मोक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, यंगस्टर्स अपने फादर के सामने दारू पी रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो कल्चरल वैल्यूज जो है यूरोप में शायद हो सकता है, हमें पता नहीं, हम गए नहीं हुए, बट ये नहीं है। मगर मैं ये डेफिनेटली कहूंगा इंडिया में कल्चर्स बेटर है, नो डाउट कि ये एग्रीबल है कि जैसे जैसे लोग ज्यादा वेस्टर्नाइज होते हैं तो इंडिया के जो कोर कॉन्सेप्ट थे वो डेफिनेटली डाइल्यूट हो रहे हैं, वो खत्म हो रहे हैं, नहीं होना चाहिए। इंडिया में
कल्चर जो है वो नंबर वन है, जबरदस्त है, और यहाँ पे अगर कुछ सीख सके उस कल्चर से तो बहुत बेनिफिट आएगा। मगर इतना भी नहीं है कि लोग इतने डिसरिस्पेक्टफुल यहाँ पे नहीं है, मगर इनका अच्छा तरीका था बताने का है। मगर नॉर्मली क्या होता है कि आप अगर जैसे इंडिया जो है मानता है द वर्ल्ड इज वन फैमिली, ठीक है, वर्ल्ड इज वन फैमिली, तो उसी लिए उन्हें किसी को नीचा दिखा के अपने आप को ग्रेट नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि ग्रेट तो इंडिया है ही, तो किसी के नीचे करने की जरूरत नहीं है, आप वैसे ही इंडिया ग्रेट है। तो जब भी मेरे ख्याल से कोई सजेशन दे तो अपनी ग्रेटनेस के बारे में बात करो, परंतु किसी और को नीचे दिखा के ग्रेटनेस की जरूरत नहीं है। और दूसरा, जो लोग यहां रहते हैं वो आपको गारंटी से बता सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही अच्छे लोग हैं जो इंडियंस हैं, अगर दिखते हैं तो मिलते हैं लोगों से, हाय हेलो करते हैं, तो इट इज वेरी गुड एनवायरनमेंट है। परंतु आई एग्री, इंडिया के कल्चर को कोई बीट नहीं कर सकता, नंबर वन कल्चर इंडिया का, अमेजिंग। यस फ्रेंड्स, सो वीडियो बहुत अच्छी थी, बड़े मजाकिया गिविकिस्म से शुरू किया और उसके बाद एंडिंग इमोशनल और बड़े स्ट्रांगली की है। तो होप करते हैं आपको भी ये वीडियो पसंद आया होगा और प्राउड फील हो रहे होगा आपको कि आप इंडिया से हो, जैसे हमें प्राउड फील होता है। कोशिश आपकी भी यही रहनी चाहिए और हमारी यहाँ पर कि हमारा जो कल्चर है, हमारे जो ट्रेडिशंस हैं जो इतने सुंदर हैं, उनको हम मेंटेन करने की कोशिश करें। हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है, पर आई एम श्योर अगर आप इंडिया में हो तो आपके लिए थोड़ा इजी होगा। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।